बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सिंस सिचुएशंस आर स्टिल नॉट फेवरेबल, मे अल्लाह पाक कीप अस ऑल सेफ एंड हेल्दी, आमीन सुम्मा आमीन। इन लास्ट टू एंड थ्री लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी एंड द रूल्स ऑफ फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। आई होप कि वो आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, आपने वो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। सो हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन अबाउट द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हमारा मेजर कंपोनेंट है लैंग्वेज का। बाकी दो कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट इन लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है किसी भी लैंग्वेज में? जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं और हम लैंग्वेज कोई भी लर्न करते हैं, या हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, वी स्पीक एंड वी राइट इन सेंटेंसेस। ठीक है, हम जब भी कोई बात करते हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो सुनते समझते हैं, वो हम लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल्स दैट गवर्न द वेज इन विच वर्ड कम्बाइंस टू फॉर्म फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बेसिक यूनिट साउंड है। साउंड से हम फॉर्म करते हैं वर्ड्स। वर्ड्स कैन बी सिंगल सिलेबिक हो सकते हैं, मोनो सिलेबिक हो सकते हैं, बाई सिलेबिक हो सकते हैं, मल्टी सिलेबिक हो सकते हैं। इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, वी मेक फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैन रेंज फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस टू वेरी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग यूटेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वो स्टडी है जो इन रूल्स को स्टडी करती है, जिससे हम किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को कंबाइन करके, अरेंज करके सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में या वर्ड में कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं टू मेक द सेंटेंसेस। द टर्म सिंटैक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग अरेंज टुगेदर। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड था सिंटैक्सिस, और उससे निकला है, जिसका मतलब है अरेंज टुगेदर। अरेंज किस चीज़ की अरेंजमेंट की बात हो रही है? वर्ड्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है इन अ गिवन सेंटेंस। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या स्टडी करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को स्टडी करता है, मीनिंग को स्टडी करता है, कि कैसे वर्ड्स की अरेंजमेंट होगी कि वो सिंटैक्टिकली ठीक होगा, पैटर्न जो है वो उसका उस लैंग्वेज के हिसाब से ठीक होगा। बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट सिंटैक्टिक रूल्स एंड पैटर्न्स। सिंटैक्स इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, बेसिकली सिंटैक्स क्या है कि व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ गिवन फ्रेज और अ क्लॉज और अ सेंटेंस। सिंटैक्स इज अ टूल यूज्ड इन राइटिंग प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। ठीक है, ना सिर्फ बोलने में हम सिंटैक्टिक रूल्स अप्लाई करते हैं, बल्कि व्हेन वी आर राइटिंग एनी लैंग्वेज, तो रिटन एक्सप्रेशन में भी हम उस सिंटैक्टिक रूल्स को फॉलो करते हैं, और हम प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस सिंटैक्टिकल रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं। नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न करेक्ट सिंटैक्स विदाउट रियलाइजिंग इट। ठीक है, जो हम जिस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो लैंग्वेज हम डेवलपमेंटली सीख रहे होते हैं, उसके करेक्ट सिंटैक्स को हम विदाउट रियलाइजिंग अनकॉन्शियसली कन्वेंशनली जो है वो लर्न करते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटर्स और स्पीकर सेंटेंसेस क्रिएट अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेवल ऑफ डिक्शन दैट इज़ प्रेजेंट टू इट्स ऑडियंस। ठीक है, अब किसी भी राइटर की या स्पीकर की सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, मैं किसी बात को कैसे कन्वे करना चाहती हूँ, फॉर्मली और इनफॉर्मली जब मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो डिक्शन क्या होती है? चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसको मैं कैसे ऑप्ट करती हूँ, कौन से रूल्स को फॉलो करती हूँ,
ये जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस से लेके अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स अटरेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स रिटन मटेरियल कैन बी जनरेटेड। जी, तो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, द बॉय जम्प्ड हैप्पीली। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, द बॉय हैप्पीली जम्प्ड एंड हैप्पीली द बॉय जम्प्ड। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो इनमें वर्ड की रीअरेंजमेंट हुई है, बॉय जम्प्ड हैप्पीली, द बॉय हैप्पीली जम्प्ड एंड हैप्पीली द बॉय जम्प्ड। दे थ्री आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग, ठीक है, बट सिंटैक्टिक पैटर्न इनका क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड डिफरेंट है। अब वर्ड्स हमारे जो किसी भी सेंटेंस के अगर हम उनको डिवाइड करें तो आप सबको पता है कि हम डिफरेंट में कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, हम प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लेक्सिकल एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं जो वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड से मिलकर हम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो बाय अरेंजमेंट जस्ट वन वर्ड इन द सेंटेंस अ वेरिड सिंटैक्स इज फॉर्म्ड, ईच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, द बॉय जंप्ड हैप्पीली, ये भी करेक्ट सिंटैक्स है, इसका मीनिंग भी क्लियर हो रहा है, पैटर्न भी ठीक है, मीनिंग भी क्लियर हो रहा है। द बॉय हैप्पीली जंप्ड, मीनिंग भी क्लियर हो रहा है और इसका सिंटैक्टिक पैटर्न भी ठीक है। और हैप्पीली द बॉय जंप्ड, ये भी करेक्ट है सिंटैक्टिकली भी और इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों सिंटैक्टिक पैटर्न करेक्ट भी हैं और ये एक सही मीनिंग को भी कन्वे कर रहे हैं। सिंटैक्स एंड डिक्शन की अभी पीछे बात हुई थी, तो डिक्शन और सिंटैक्स में क्या फ़र्क है, दे आर डिफरेंट कंसेप्ट्स इन ग्रामर एंड इन लिटरेचर। सिंटैक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंटेंस, जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि इन तीनों एग्जांपल्स में वर्ड की अरेंजमेंट से द बॉय जम्प्ड हैप्पीली एंड द बॉय हैप्पीली जम्प्ड, इन दोनों फिक्रों में सेंटेंस की सिंटैक्टिक पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स जिसने जुमले को बनाया था वो एक दूसरे से डिफ़र कर रही है। अब डिक्शन क्या है बेसिकली, कि वर्ड चॉइस क्या है, कि राइटर या स्पीकर कौन से वर्ड चूज़ करता है टू कन्वे हिज थिंकिंग या टू कन्वे हिज मैसेज। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैव सिमिलर सिंटैक्स बट डिफरेंट डिक्शन। अब द बॉय जम्प्ड हैप्पीली एंड द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एंड द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब इसमें क्या है कि डिक्शन जो है वो चेंज है, बट सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है एंड फिर एडवर्ब आ रहा है। द गर्ल सब्जेक्ट है, सैंग ब्यूटीफुली एडवर्ब आ रहा है, तो इन सब का सिंटैक्टिक पैटर्न क्या है कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस एडवर्ब है, तो एस वी ए पैटर्न को ही ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, बट चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट तीनों जुमलों में डिफरेंट है, तो डिक्शन इसकी चेंज है बट सिंटैक्स सिमिलर है। ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज हैज़ द सेम सिंटैक्स, ईच सेंटेंस फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब, हाउएवर ईच सेंटेंस यूजेज डिफरेंट डिक्शन। डिक्शन क्या है आपकी, चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब नेक्स्ट आप इन एग्जाम्पल्स को अगर देखते हैं तो ये सिमिलर डिक्शन के साथ हैं बट डिफरेंट सिंटैक्स के साथ हैं, कि द बॉय जम्प्ड हैप्पीली, द बॉय हैप्पीली जम्प्ड एंड हैप्पीली द बॉय जम्प्ड। अब इन सब में सेम डिक्शन है, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो सेम है, बट इसका अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि सेम डिक्शन के साथ डिफरेंट सिंटैक्टिक पैटर्न को यूज़ किया गया। इन अदर वर्ड्स, डिक्शन एंड सिंटैक्स फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। डिक्शन फोकसेस ऑन वर्ड चॉइस व्हाइल सिंटैक्स फोकसेस ऑन द ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ दोज वर्ड्स। तो क्लियर हुआ कि डिक्शन हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स है, कि राइटर या स्पीकर जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है अपनी ऑडियंस को या रीडर्स को, तो वो उसी तरह के वर्ड्स को चूज़ करेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वर्ड टू यूज़, जबकि
सिंटैक्टिकल पैटर्न या सिंटैक्स का क्या मतलब है कि हाउ टू अरेंज द वर्ड्स टू मेक फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब सिंटैक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहली बात यह है कि ओवर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी को हम अभी नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आवर नॉलेज दैट सेंटेंसेस मे बी पैरा फ्रेजेज ऑफ ईच अदर, और ये हमारा नॉलेज के डिफरेंट सेंटेंसेस जो हम प्रोड्यूस करते हैं इन अ लैंग्वेज, ठीक है, दैट आर पैरा फ्रेजेज ऑफ ईच अदर। वी नो द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज को बच्चे जो हैं जब डिवेलपमेंटल पीरियड में कोई भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो लर्न करते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि लैंग्वेज जो है वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है। हम एक फिनिट वोकैबुलरी, फिनिट रूल्स से इनफिनिट चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आवर नॉलेज ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज़ ऑफ द ग्रामेटिकल रिलेशंस। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम इन तीन चीज़ों को ही कवर करेंगे जो कि सिंटैक्स में आती हैं, कि व्हाट इज़ द एम्बिग्विटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, मे बी द पैराफ्रेजेस ऑफ ईच अदर, एंड थर्ड थिंग कि व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, एंड देयर आर ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन these parts of the sentences। ठीक है, in English a strong active voice sentence will always have the subject doing the action of the sentence। ठीक है, हम focus अपने English language के syntactic rules पर रहेगा हमारे इस lecture में, जैसे हमने morphology और phonology में भी English के rules को study किया है। So in English language हमेशा, अब जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये एक एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस है, या दे ईट पिज़्ज़ा, या दे ओपन्ड द डोर। ठीक है, ही ओपन्ड द डोर एंड द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम इज़ अ पैसिव वॉइस। तो अगर हम सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात करें, ही ओपन्ड द डोर, तो इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है डूइंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। हर इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का होता है, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। दीज सेंटेंसेज विल फॉलो अ बेसिक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस आई गो टू स्कूल, इसमें आप देखेंगे क्या होगा कि सब्जेक्ट इज़ आई एंड वर्ब इज़ गो एंड स्कूल इज़ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ही ओपन द डोर, ही इज़ द सब्जेक्ट, ओ वर्ब इसमें है ओपनड एंड द डोर इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एट एन एप्पल, आई इज़ द सब्जेक्ट, एट इज़ द वर्ब एंड एन एप्पल इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो जो सिंपल एक्टिव वॉइस होंगे उनका आपका बेसिक पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसके बरक्स आप देखेंगे तो उर्दू में सिंटैक्टिक पैटर्न क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उर्दू में हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। आई एट एन एप्पल और मैंने सेब खाया, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सेब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और खाया वर्ब जो है वो आखिर में चला जाएगा। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट सिंटैक्टिकल रूल्स एंड सिंटैक्टिक पैटर्न्स। सिंटैक्स जो है वो विद इन अ लैंग्वेज चेंज होता है, अक्रॉस द लैंग्वेज चेंज होता है। सिंटैक्स इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद स्पीकर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड एन इनफिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस। अब सिंटैक्स जो है वो, अब आपको सिंटैक्टिक रूल्स अगर पता हैं किसी भी नेटिव लैंग्वेज के, या नेटिव स्पीकर्स होते हैं, या हम जो लैंग्वेज लर्न करते हैं सेकेंड लैंग्वेज, अगर आपको उसकी सिंटैक्टिक पैटर्न्स पता हैं, तो आप जो है एज अ स्पीकर और एज अ राइटर एक एबिलिटी रखते हैं कि आप इनफिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस
बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों को जब बच्चों ने क्या बच्चे शुरू में सीखते हैं कि एक बेसिक रूल्स क्या हैं किसी सेंटेंस को बनाने के। मैं अभी आपके सामने अगर कहती हूँ कि ये जो पीछे मैंने आपको एक सिंटैक्टिक पैटर्न बताया है कि हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस सिंटैक्टिक पैटर्न को जहन में रखें और 5 जुमले बनाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये सिंटैक्टिक पैटर्न पता है तो वी कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग आर वोकैबुलरी। ठीक है, इन रूल्स और अपनी वोकैबुलरी को देखते हुए हम बहुत सारे जुमले इस सिंटैक्टिक पैटर्न पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हम लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम जब बेसिक लैंग्वेज सीख जाते हैं उसके बाद आप बच्चों को जब सीख ली लैंग्वेज उसके बाद ये तो नहीं सिखाना पड़ता ना कि हर बात कहने के लिए आपने कैसे क्या जवाब देना है। ठीक है, ये कोई पूछेगा तो ये जवाब देना है, आप याद करके ये चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। देयर इज़ एन एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज़र कि वो डिफरेंट इनफिनाइट सेट ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो उनके पास वोकैबुलरी और जो उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, द सेंटेंसेस इज रिगार्डेड द हाईएस्ट रैंकिंग यूनिट ऑफ ग्रामर। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो आपकी ग्रामर का हाईएस्ट रैंकिंग यूनिट है एंड देयर फॉर द पर्पज ऑफ अ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन इज टू डिफाइन making use of whatever descriptive apparatus that may be necessary। अब क्या ऑपरेटर्स है ये, क्या रूल्स, क्या कैटेगरीज या क्या आपके पैटर्न्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे टू मेक दैट सेंटेंसेस। ठीक है, तो जब ग्रामर या रूल्स लर्न कर लेते हैं हम तो लैंग्वेज जो है वो खुद ब खुद क्रिएट करते चले जाते हैं। हमें पैरामीटर्स, लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ देयर वर्ड ऑर्डर। अभी हमने बात की थी कि इंग्लिश के बेसिक्स जो सेंटेंस है उसका वर्ड ऑर्डर जनरली होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो देयर कैन बी मैनी वर्ड ऑर्डर्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो सकता है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हम इसको डिफरेंट वर्ड ऑर्डर्स की टर्म्स पर लैंग्वेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस इज़ अ पैरामीटर बाय विच लैंग्वेजेस डिफर। ठीक है, तो अक्रॉस द लैंग्वेजेस ये पैरामीटर्स ही लैंग्वेजेस को एक दूसरे से डिफर करते हैं। उर्दू, अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब इनके पैरामीटर्स बेसिकली जो वर्ड ऑर्डर्स हैं, जो वर्ड सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। द डोमिनेंट फॉर्मल थ्योरी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होल्ड्स दैट Children have access to a set of parameters by which language can differ. Acquisition is the process of setting those parameters. ठीक है, तो जो हमारी first language acquisition की या native language acquisition की theory है वो क्या कहती है कि बच्चे जो हैं during the development unconsciously, ठीक है, ये जाने बगैर कि हम learn कर रहे हैं हम basic parameters को अपनी native language के learn कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि हम ये सेट कर लेते हैं पैरामीटर्स, हम अपने डीप स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसकी बेस पर इन फ्यूचर लैंग्वेज को जनरेट करते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं हम अपनी लैंग्वेज को इन बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर। अब देयर आर डिफरेंट सिंटैक्टिक पैटर्न्स या पैरामीटर्स। नंबर वन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की अगर एग्जांपल इन इंग्लिश में देखें तो अगर मैं कहती हूँ ही गोज, ही इज द सब्जेक्ट इन दिस फ्रेज एंड गोज इज, अगर आप गोज इज द वर्ब, शी ईट्स, she is again the subject and it is a verb। अगर आप कुछ और examples जहन में लाना चाहें या लिखना चाहें तो सोचिए subject और verb की, I drink, ठीक है, I is the subject and drink is again a verb, he loved, ठीक है,
ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड लव्ड इज़ अ वर्ब. शी स्लिप्ड, शी इज़ अगेन अ सब्जेक्ट एंड स्लिप्ड इज़ अ वर्ब. द टैप रन्स, ठीक है, द टैप इज़ हियर द सब्जेक्ट एंड रन्स इज वर्ब. देन यू कैन से द डॉग बार्क्ड एंड वन अदर एग्जाम्पल कैन बी द प्लान फ्लॉप्ड. द प्लान इज सब्जेक्ट हियर एंड फ्लॉप्ड इज द वर्ब. माई मदर आस्क्ड, फादर कॉल्ड या कॉल्स, ठीक है. अली रीड्स, दे प्ले. तो इन सब में टाइम पासिस, इन सब में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है आपका और एक वर्ब होता है, एक सिंटैक्टिक पैटर्न बेसिक ये हो सकता है. सेकंड इज सिंटैक, सेकंड सिंटैक्टिक पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं एस वी ओ पैटर्न, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज शी, शी गोज टू स्कूल. सब्जेक्ट इज शी गोज टू, गोज इज अ वर्ब एंड स्कूल इज ऑब्जेक्ट. सम अदर एग्जाम्पल्स कैन बी दे ईट पिज़्ज़ा, ठीक है. दे इज़ द सब्जेक्ट, ईट इज़ वर्ब एंड पिज़्ज़ा हियर इज़ ऑब्जेक्ट. आई एन्जॉयड माई टी. आई इज़ द सब्जेक्ट, एन्जॉय इज़ वर्ब एंड टी इज़ ऑब्जेक्ट. देन ही इज़ राइटिंग अ लेटर. He is the subject, write is a verb and letter is an object. Then Zara is cooking chicken. ठीक है, Zara जो है इसमें subject हो जाएगा. Cook is the verb cooking and object is chicken. ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर पीपल, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें सब्जेक्ट है, वर्क इज द वर्ब एंड पीपल आर ऑब्जेक्ट. ठीक है, द प्रेजिडेंट अनाउंसेस द इनकम, द इंक्रीमेंट्स. तो यहाँ भी आपके पास द प्रेजिडेंट इज द सब्जेक्ट, announce is the verb and increment is the object. So these were the example of subject, verb and object pattern. Next pattern is S, V and C. Subject plus verb plus complement. ठीक है, ये consonant नहीं है, this is complement. For example, she is looking नाइस, ठीक है. यहाँ पर शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लुकिंग इज वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट इज नाइस, ठीक है. शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, या इसको आप कहें कि द हाउस इज एडोरेबल, ठीक है. और द पेशेंट इज क्रिटिकल, ठीक है. तो इसमें क्या है, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो आई इज़ द सब्जेक्ट, रीड जो है वो आपका वर्ब है एंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ द कॉम्प्लीमेंट जो आप स्टोरी को दे रहे हैं, जिसे हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. इसमें एडजेक्टिव्स भी डाल सकते हैं, ठीक है. फिर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब.
SVA. This pattern is you eat slowly. ठीक है, अब इसमें क्या आया है कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है एंड आगे उसके एडवर्ब है. आमिना वॉक्स फास्ट. ठीक है, ही ड्राइव्स रैशली और यू कैन से ही सैंग स्वीटली या शी सैंग स्वीटली और सारा राइट्स नीटली. ठीक है, माई मदर कुक्स क्विकली. तो ये सारे आएंगे आपके SVA पैटर्न में. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज पैटर्न्स विद द सेंटेंस. मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स बताई हैं. आई होप आपने लिख ली होंगी. नहीं लिखी तो आप ये लिख सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि आप हर पैटर्न की अपने एग्जांपल्स जो हैं वो 5-5 लिखिए सोच के, जिसमें ये सिंटैक्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा हो. सो नेक्स्ट चलते हैं. हमने पीछे बात की थी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, हमने हमारा नॉलेज जो होता है अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वो सिंटैक्टिक रूल्स में शामिल होता है. तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ. अब सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस क्या है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में एक ऐसा ग्रुप का मजमुआ हो, वर्ड्स का मजमुआ हो जो कि एक कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा हो. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक सेंटेंस. अगर वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहते. अ कंप्लीट सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. अगर वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करता, एक वर्ड्स का मजमुआ है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है, फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फ्रेजेज एंड व्हाट आर द क्लॉजेज एंड व्हाट आर द सेंटेंसेज. तो फॉर एग्जांपल, हैरी लिसन्स टू म्यूज़िक. अब हैरी लिसन्स टू म्यूज़िक, या इससे पहले मैंने आपको जितने सेंटेंसेस बताए, फॉर एग्जांपल, आई एट एन एप्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी गोज़ फॉर शॉपिंग, और डू यू लाइक मफिन्स, आई लव गोइंग टू द एम्यूज़मेंट पार्क. ठीक है, सारा राइट्स नीटली, ये सब एग्जांपल्स एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रही हैं. ठीक है, तो हमारा वो सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस तब कंप्लीट होता है जब ग्रुप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपके कंप्लीट थॉट हो. पहली बात हो गई. दूसरी बात, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के ज़रूरी है या किसी भी सेंटेंस के ज़रूरी है कि इट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ठीक है, द सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, हम ये देखते हैं. द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट शोज व्हाट अ सेंटेंस is about और who or what performs the action. ठीक है, आप उर्दू में देखते हैं फाइल. फाइल क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है. कि सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है कि जो उसमें परफॉर्म कर रहा है एक्शन को. ठीक है, कि सब्जेक्ट किसके मुतालिक सेंटेंस है. ठीक है, तो मोबी इज़ अ रोबोट, इस सेंटेंस में मोबी जो है वो सब्जेक्ट है. He drives slowly, इसमें he जो है वो subject है. ठीक है, Ali reads a novel, तो Ali जो है वो subject है. ठीक है, My mother asked a question, तो my mother is a subject in this sentence. ठीक है, They eat pizza, तो they is the subject. तो सब्जेक्ट ही समझ आ गई. सब्जेक्ट क्या होता है, आपका फाइल होता है. और प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, आपका बाकी पार्ट जो आपके सब्जेक्ट के बारे में स्टेट कर रहा होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. मोबी इज़ अ रोबोट में
द प्रेडिकेट क्या होगा आपका, इज अ रोबोट। तो हर सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, और दूसरी बात क्या है, वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। सो हमने कहा सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, देयर आर फ्रेजेस। ये हम पहले से कह रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं वो फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेज जो हैं वो क्लॉज और सेंटेंस बनाते हैं। तो व्हाट इज़ द फ्रेज? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच एंड दस डज नॉट कंटेन बोथ अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच बनाए बट इट डजेंट कंटेन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है कुड हैव बीन लुकिंग। अब कुड हैव बीन लुकिंग इज़ अ फ्रेज, ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है बट इट हैज़ नो सब्जेक्ट। या इन द बैक यार्ड, इधर ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। There are type of phrases. The length of the phrases may differ from two words to many more words. ठीक है, phrase के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो two word phrase हो, two word phrase हो सकती है, three word phrase हो सकती है, और more word phrases भी हो सकती हैं। This does not have any connection to whether it is a phrase or a sentence. ठीक है, words की तादाद पर depend नहीं करेगा but कौन एक complete thought को express कर रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें हो वो आपका सेंटेंस होगा। और अगर कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट या वर्ब के बगैर, अगर फ्रेजेस में कैन बी अ सब्जेक्ट और किसी फ्रेज में कैन बी अ वर्ब बट इसमें बोथ नहीं होंगे इकट्ठे, तो उसे हम कहेंगे फ्रेज। फॉर एग्जांपल, ओल्ड डॉग इज़ अ फ्रेज, सो इज़ द ओल्ड स्मेली शिवरिंग डॉग इज़ ऑल्सो अ फ्रेज। ठीक है, ये दोनों फ्रेजेज ही हैं, ओल्ड डॉग इज़ अ फ्रेज, अ डॉग इज़ अ फ्रेज। ठीक है, द ओल्ड स्मेली शिवरिंग डॉग, अब ये कितने सारे वर्ड्स का मजमुआ है बट वो डॉग को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इज़ ऑल्सो अ फ्रेज। तो देयर आर द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। नंबर वन पे है आपकी नाउन फ्रेज। There are the phrases contains a noun, name, place or things and at least one modifier associated to the noun. Noun आपको पता है, ठीक है, कि क्या होता है, the name of any place, person or thing is called a noun. तो कोई भी ऐसी phrase जिसमें एक noun हो और एक modifier हो जो कि associate करो noun को, और जो sentence में as a noun एक्सप्रेस हो रही हो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। द मॉडिफायर कैन बी प्रेफिक्स और सफिक्स द नाउन। ठीक है, अब नाउन से पहले भी हो सकता है उसका मॉडिफायर और नाउन के बाद भी हो सकता है। द एंटायर फ्रेज विल एक्ट एज अ नाउन फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन को के तौर पे एक्ट कर रहे हों तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है, ही वाज वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट। तो ब्लैक लिनन शर्ट बेसिकली क्या है, इसमें नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है ब्लैक लिनन। ठीक है, ब्लैक लिनन जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, उस शर्ट के बारे में, उस शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन क्या है, इस शर्ट, और उसको वो मॉडिफाई कर रहा है तो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। दे लिव्ड इन अ स्मॉल टाइडी कॉटेज। तो कॉटेज जो है वो नाउन है और स्मॉल टाइडी उसके मॉडिफायर हैं, तो होल फ्रेज स्मॉल टाइडी कॉटेज क्या एक्ट कर रही है एज अ नाउन इन द होल सेंटेंस, तो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अली रोड हिज ओल्ड बाइसाइकिल। अब ओल्ड बाइसाइकिल क्या है, उसका एक नाउन है ओल्ड बाइसाइकिल, टू हिज न्यू स्कूल। तो न्यू स्कूल एंड ओल्ड बाइसाइकिल बोथ आर एक्टिंग एज अ नाउन इन द सेंटेंस, तो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज।
फिर आ जाती है आपकी वर्ब फ्रेज, ठीक है। एवरी सेंटेंस विल जनरली कंटेन अ वर्ब बट समटाइम्स द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड रिक्वायर्स अ मोर नॉइज्ड मल्टी वर्ड वर्ब फ्रेज, ठीक है। द फ्रेज कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब और वर्ब्स एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं आपके? हेल्पिंग वर्ब्स। तो द टीचर इज राइटिंग द आंसर, तो इज राइटिंग यहाँ पर एज वर्ब सेंटेंस में एक्ट कर रही है फ्रेज, तो इसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस द लास्ट टू आवर्स। अब जो सेंटेंस का पीरियड है उसके हिसाब से प्लेइंग के साथ हैव बीन प्लेइंग लगा है, ठीक है, सिंस द लास्ट टू आवर्स। तो इसलिए हैव बीन प्लेइंग एक ऐसा फ्रेज है जो एज अ वर्ब इन इस सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, तो ये कहलाती है आपकी वर्ब फ्रेज। यू मस्ट कॉल योर मॉम एट वंस, तो मस्ट कॉल इज अ वर्ब फ्रेज, क्लियर। नेक्स्ट आर द प्रेपोजिशनल फ्रेज। एनी फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन विच विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हाट वी कॉल अ इज व्हाट वी कॉल अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो भी प्रेपोजिशनल के साथ प्रेपोजिशन के साथ आपके ऑब्जेक्ट लगा होगा एंड एक्ट लाइक अ प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ऑन द रूफ आपकी प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है, और इस फ्रेज को हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। द मैन इन द रूम इज आर टीचर, शी इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, तो ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहलाएंगी। ऑन द रूफ, इन द रूम, इन अ लाउड वॉइस। फिर है एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर एंड एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। किसी भी टेंस में सेंटेंस में किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, और उसमें एडजेक्टिव यूज़ करने के लिए जब कोई फ्रेज यूज़ होती है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट, तो ये मॉडिफाई किसको कर रही है? शर्ट को, अ नाइस रेड शर्ट। तो अ नाइस रेड इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो विद ब्राउन हेयर इज़, इसमें एडजेक्टिव आ गया उसका और मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, ठीक है। द गे ही गेव मी अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो फुल ऑफ वाटर इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज और ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ग्लास को, कि जो ग्लास है वो भरा हुआ है पानी से, तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। फिर है एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। जो भी फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक एडवर्ब के तौर पे फंक्शन करेगा या एक्ट करेगा इन अ सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब्स और अदर वर्ड्स, प्रेपोजिशंस, नाउन, वर्ब, मॉडिफायर्स दैट मेक अ ग्रुप विद वर्ब्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, इन अ गुड मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज। दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, ठीक है। तो अब इन अ लाउड वॉइस इज एन एडवर्ब फ्रेज। शी ऑलवेज ड्राइव्स विद केयर, तो विद केयर जो है दैट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, जो एक गिवन सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर एक्ट करेगी उस फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स कि सिंटैक्स में हम देखते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। एंड हेयर इन द सेंटेंस एंड क्लॉज जो है वो उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर हम ये सेंटेंस देखें, ऑल दीज बुक्स आर माइन, तो ऑल दीज बुक्स क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। बुक्स जो हैं वो नाउन है, लेकिन ऑल दीज बुक्स इस सेंटेंस में एज नाउन डील कर रहा है, ठीक है।
कि ये जो बुक्स हैं ये मेरी हैं। अब वर्ब फ्रेज क्या है कि जॉन हैज़ बीन लुकिंग फॉर जेन। तो वर्ब क्या था लुकिंग, इसमें लुक जो है वो वर्ब है एंड हैज़ बीन लुकिंग फॉर जो है वो आपकी वर्ब फ्रेज है जो इस सेंटेंस में एज वर्ब एक्ट कर रही है। फिर है एडजेक्टिव फ्रेज, टॉम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। तो मैन इसमें नाउन है और उस मैन को मॉडिफाई करने के लिए वेरी इंटरेस्टिंग का एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। तो इस पूरे सेंटेंस में वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट कर रहा है। एडवर्ब फ्रेज, ही रैन क्वाइट फास्ट। तो क्वाइट फास्ट एक एडवर्ब के तौर पे इस सेंटेंस में बिहेव कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। फिर है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ही इज़ लेक्चरिंग ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी। अब ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी क्या है आपकी प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ हुई है और प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी आपका सिंटैक्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंटैक्स को ही देखेंगे। आज के लिए आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपको जो सिंटैक्टिक पैटर्न्स दिख बताए हैं मैंने SV, SVA, SVO एंड SVC, इन पे आपने 5 सेंटेंसेस जो हैं इसकी एग्जांपल्स पर आपने लिखने हैं। हम इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फी अमानिल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।